हस्बैंड बोल रहे थे कि वो आजा मूवी देख दे हां मैं प्रा सॉरी आई एम आउट ऑफ हियर गाइस ये देखे नए कपड़े सो मेरे पति आजकल जिम के बहुत ही शौकीन बन चुके हैं तो उन्होंने अपने लिए वर्कआउट क्लोथ लिए हैं अंडर आर्मर से शॉर्ट सा एंड ये ब्लैक टी शर्ट है उन्होंने मुझे भी एक लेगिंग लेके दी है योगा पैंट्स और उनकी ये काली टी शर्ट मैं चोरी करने के बारे में सोच रही थी क्योंकि फिर मेरा आउटफिट सारा मैचिंग बन जाऊगा मैं इतने भी रखा ही पर उन्होंने वापस ले लिया यहीं पर रखते थे और आप पता नहीं किया पति इदा कर दिया शॉपिंग दलादा कितने पुराने धोने वाले कपड़े पाए ओके सो आई शो यू व्हाट दिस हैंडसम डूड इज डूइंग से हाय टू माय व्लॉग प्लीज से हाय टू माय व्लॉग हेलो ओके दोस्तों तो आजकल ये टास्क पति ने ले लिया है कि वो सुबह सुबह हमारा पहला मील तैयार करते हैं ज्यादातर वो अपने लिए करते हैं पर आज मैं भी खाने वाली हूँ ये है ओट्स तुम्हारे अंदर तो नंगता नहीं है अच्छी चीज तो नंगती नहीं अंदर बहुत ज्यादा तो मीन क्यों नहीं नंगदी मेरे अंदर खांदी नहीं तो मैं पूछदा मैं फास्टिंग मोड च रहनी हां ज्यादा मैं खांदा होना फिर कन्नी मेरे लिए तो बनाई नहीं मैं सुखना होना एकड़ी बनाई नाली नाउ यू आर इन ट्रबल एकड़ी बनाई नाली छूटे नाली कड़ी छूटे ओके दोस्तों हस्बैंड जब खाना बनाते वो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं कहने मेनू सपना आना कि तू खाना ऑब्वियसली मैं भी खाना है और मैंने सोचा कि जब मैं कुक करती हूं मैं भी एक बंदे का करूंगी मैं कहूंगी मेनू क्यों बनाई तू ही खाना ओट्स वैसे वो फ्रोजन बेरीज डालते हैं पर मेरे पास बहुत ही अच्छी फ्रेश ब्लू बेरीज है इसको मैंने ऑलरेडी धो लिया तो मैं इसमें और हस्बैंड ऐड कर रहे हैं फ्लैक्सीड बहुत अच्छे हैं आपके लिए इसमें ओमेगा 3 रिच है एंड ऑल्सो अच्छा फाइबर है इसमें एंड अच्छी फैट भी है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है और जहाँ फिर जो या और जो भी बंदे ना क्या बोलते हैं वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी जिनको भी आर्थराइटिस है उनको ओमेगा 3 रिच चीज़ें खानी चाहिए अगर आप वेजिटेरियन हैं आप फिश नहीं खाते हैं मेरी तरह ऑलमोस्ट वेजिटेरियन तो बहुत अच्छी ऑप्शन है ये सो हस्बैंड इसको ऐड कर देते हैं ओट्स में मगर मैं कई बार क्या करती हूँ जो हिम्मत की योगर्ट ड्रिंक्स होती है ना उसमें इसको ऐड कर लेती हूँ तो फिर मैं पी लेती हूँ जो पानी जैसी लस्सी जैसी होती है ना ताकि ये अंदर चला जाए और फ्लैक्स सीड को खाने का ये है कि आप सीड से सीधा नहीं खा सकते उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा ये क्रश्ड होने चाहिए सो ये मैंने खरीदा था कॉस्को से ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड इंडिया में तो आपको आराम से मिल जाएंगे कितने पॉपुलर है और वैसे भी सर्दियों के सीजन में आप पिन्निया बना के खा सकते हैं क्योंकि देसी घी भी आपके लिए अच्छा है सो ये अलसी है इंडिया में आराम से मिल जाएगी और इसे खाएं पिन्निया बना के खाएं देसी घी भी आपके लिए अच्छा है खूब सारे नट्स ऐड करें पर खंड में हाथ थोड़ा कट रखें फिर पिन्नियों से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है राइट डैडी आ तो डाया गाइस हस्बैंड ने अपने लिए ज़्यादा पाया मेरे लिए कट पा दे मैनू कोली भी छोटी देने की पता ना चले तू तो किधर सौतेली माँ वांगू बिहेव कर रहे हैं बाबू यार मेरा अपनी था गाइस आ गया मैं नहीं ले रहा हूँ नहीं बहुत परफेक्ट है मैं नहीं नहीं मजाक करनी मजाक करनी मैं सच्ची मजाक कर मैं नहीं लेना बाबू मैं नहीं लेना सच्ची मजाक नहीं होना लेनी मैं उधर करके नहीं देता प्यारी ओके सो हस्बैंड ने बना दिया और जबरदस्ती मेरे च होर ऐड करता क्योंकि वो दिखावा करना चाहते हैं वीडियो में कि ओ ही लव मी सो मच बट एक्चुअली ये सच नहीं है नहीं नहीं ही इज अ फेक गाय सो इसमें बेरीज ऐड कर दिया मैंने आप इसको खाएंगे एंड मैंने मेरे लिए ना एक प्यारा सा चाय का कप भी बनाया है फॉर सम रीज़न मेरा चाय पीने के लिए मन है क्योंकि बहुत बुरी रात सी मेरी कल बिल्कुल भी नींद नहीं आई मैंने 4 बजे गाइस मैं नीचे आई क्योंकि मेरे सर में बुरा दर्द होना शुरू हो गया माइग्रेन एक अख च भी तो हस्बैंड बेसमेंट में सो रहे हैं आजकल क्योंकि हिम्मत थोड़ा बीमार है ना तो मेरे साथ सोता है वो एंड हस्बैंड नहीं बीमार होना चाहते तो बहुत ही प्रिकॉशन ले रहे हैं तो बेसमेंट में सो रहे थे तो मैं नीचे आ गए राम नाम मिचक मिचक गोली खा रही और ये आ गए डराता मैनू तू क्यों आए वो मैं ये गोस्ट आ गया तू क्या की चल रहा अरे कूल डूड बन के तू सुते हुए ही पूरी बढ़िया तरह मैं खड़का हाँ जी मैं बहुत तो ही साइलेंट मोड से तो यार हस्बैंड आ गए और फिर वो भी कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा गला थोड़ा दुखदा पे आया फिर हस्बैंड को मैं थोड़ी पीने की दवाई दी एंड देन
वापस जाके मैंने सोने की कोशिश की पर मैंने नींद नहीं आई। और दोस्तों ये सारा मेरा भोजन लेके मैं अपस्टेयर जा रही हूँ हिम्मत के पास एंड वहाँ पे खाऊंगी एंड पति इतने बैठ के खाएंगे। पति इज देयर फार अवे। सो इस रूम में बहुत अच्छी धूप आती है। आई डोंट नो आप मुझे अच्छी तरह देख पाएंगे या नहीं। शाम में बैठ के हमारे ओट्स खाएंगे हम। फॉर सम रीज़न हस्बैंड अच्छे ओट्स बना लेते हैं सो आई लाइक इट। फ्रेश बेरीज का फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे हस्बैंड ना फ्रोजन बेरीज को अंदर डाल के कुकी कर देते हैं वो भी अच्छा है पर आई लाइक यू नो क्रंच। पता नहीं मैंने आपको कभी बताया या नहीं पर मैं ना आइसक्रीम की भी फैन नहीं हूँ। मुझे आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं आइसक्रीम तभी खा सकती हूँ जब उसमें कोई फ्रेश फ्रूट होता है। बेरीज स्ट्रॉबेरी क्रंच होना चाहिए या फिर पाइनएप्पल कुछ भी होना चाहिए अदरवाइज मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। मुझे लगता है आपने मुझे कभी आइसक्रीम खाते देखा होगा। I'll see you guys in a bit. हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी क्लोजेट में। खाना पीना हो चुका है और अब मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं प्लान करने वाली हूँ कैप्सूल वार्डरोब। हम लोग ट्रैवल करेंगे तो दो तीन डिफरेंट सीजन होने वाले हैं समर एंड विंटर। सो मैं समर की कुछ चीज़ें लेके जाऊँगी क्योंकि समर वाली जगह पे हम थोड़ा समय स्पेंड करेंगे पर ज़्यादा टाइम सर्दी में होने वाला है। और मेरी कोशिश है कि मैं वही चीज़ें लेके जाऊँ जो एक दूसरे के साथ पहन पाऊँ एंड ऐसे कलर्स हों जो सिर्फ ऐसे अकेले ही नहीं स्टाइल होते हों। उनको मैं मल्टीपल टाइम पहनूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइट हो मेरा पैकेज क्योंकि मेरे पास क्या बोलते हैं पैकेजेस की जो लगेज की वेट है बहुत ही लिमिटेड है और मुझे बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं जब मैं ट्रैवल करती हूँ। तो कपड़ों में हम बहुत ही ज़्यादा मिनिमम लेके जाएंगे अराउंड 30-40 पीसेस करेंगे। विंटर में ट्रैवल करने का सबसे बुरा है कि आपको हैवी चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं स्वेटर कोट्स एंड विंटर बूट्स। सो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सो ये है ज़ारा का कोट जो कि बहुत ही नेचुरल किस्म का कलर है। मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ एंड इसको एक्चुअली मैं पहन लूँगी। सो ज़्यादा नहीं मैं चीज़ें लेके जाऊँगी। एक तो हम ये ले लेते हैं। आज मुझे फाइनल करना है कि मुझे क्या क्या लेके जाना है एंड मेरी कोशिश है कि मैं हिम्मत की चीज़ें पैक ही कर दूँ क्योंकि हिम्मत की जो चीज़ें हम लेके जाने वाले हैं वो यूज़ तो करता नहीं है तो उसे पैक कर दूँगी और मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितना वेट है। तो हिम्मत का बचा हुआ वेट भी मैं यूज़ कर लूँगी मेरी स्किन केयर स्टफ़ डालने के लिए टॉयलेटरीज ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें डाल देंगे हम। एंड ऑल्सो एक ये कोट लेके जाना चाहती हूँ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है एंड काला है और पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है एंड ब्लैक है तो कितनी चीज़ों के साथ पहन लेंगे और इतना नोटिस भी नहीं होता है। और ये है जी स्टार से और इसकी जो फिटिंग है एंड स्टाइल है सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक पैक करना पड़ेगा क्योंकि उसको मैं पहन लूँगी इसे पैक कर लेंगे। एंड एक कोट मैं ये वाला लेके जाना चाहूँगी काला ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ट्रेंड स्टाइल वार्म वूल कोट है और इसे भी आप मल्टीपल टाइम पहन सकते हैं काला। पहले मैं नूड के बारे में सोच रही थी या फिर रेड के बारे में पर रेड एक दो बार पहनेंगे और उसके बाद पहन नहीं पाएंगे पर इनको हम मल्टीपल टाइम पहन सकते हैं। सो ये दो हो जाएंगे फाइनल दीज टू एंड ये वाला हम ट्रैवल के टाइम में पहन लेंगे। एंड एक्चुअली मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है जो हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था पर इस ये थोड़ा ना पतला है एंड इससे मुझे लगता है कि ठंड भी इतनी रुकेगी नहीं। सो दैट्स इनफ। एक ना मैं पफर जैकेट भी लेके जाना चाहती थी पर पफर जैकेट मेरे पास ब्लैक नहीं है पूरी प्लेन जो है वो कैनेडा के वेदर के हिसाब से है और एनी हैवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। सो दैट्स दैट। सो कोट्स मैंने 3 फाइनल कर लिया है एंड अब इस तरफ आते हैं। ओके सो ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी हैं इनमें से हम कुछ भी लेके नहीं जाएंगे पर आई एम लिटिल इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस क्योंकि एक मैं अच्छी ड्रेस लेके जाना चाहती हूँ जो कि हम अगर किसी न्यू ईयर पार्टी में या फिर कोई क्रिसमस पार्टी में पहनना चाहूँ तो मैं इसे पहन सकती हूँ। ये अच्छी लगेगी। ये बहुत ही प्यारी ज़ारा की वेलवेट ड्रेस है और इसके साथ पहनने के लिए मुझे लेदर की लेगिंग्स भी चाहिए एंड सो ये मेरा आउटफिट पूरा हो जाएगा। सो ये वाली जाएगी। एक भी बार मैंने पहनी नहीं है तो एक हम ये लेके जाएंगे एंड यहाँ से मुझे लगता है हम कुछ नहीं लेंगे। ओके ये फुल स्लीव टी शर्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। नो यस सो मेरे पास फुल स्लीव काली टी शर्ट्स हैं जो कि हमेशा मैं लेयरिंग में अंदर पहनती हूँ एंड इसके बारे में मेरा विचार है क्योंकि ये टर्टल नेक है और ये काफ़ी क्यूट साइज पे ये 3 गोल्ड के बटन्स भी लगे हुए हैं। इसके बारे में सोच रही हूँ डाउटफुल हूँ ये लेके जा सकती हूँ एंड ये वाइट एक मेरे पास है पूरी फुल स्लीव एंड ये वाली काली। सो इनको निकाल लेते हैं शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी। फुल स्लीव्स एक चिट्टी होनी चाहिए काली तो मेरे पास 2-3 हैं।
सो जो चीज़ मैंने रफली फाइनल की थी वो ये है, इनमें से इनमें समर की चीज़ें भी हैं और एक ये है बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा कार्डिगन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये मैं सबसे ज़्यादा ये पहनूंगी क्योंकि घर में भी यहाँ पे भी मैं सबसे ज़्यादा ये पहनती हूँ और मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा ही लगती है तो ऑल द टाइम पहनने के लिए घर में एक चाहिए कुछ। अभी कोट तो मैं पहनूंगी नहीं ये वाला, सो ये वाला मैं पहन सकती हूँ तो ये मस्ट है मेरे लिए, ये जाएगा ही जाएगा। एंड देन दिस ब्लैक लॉन्ग स्लीव मल्टीपल यूज़ आएंगे, ये लेके जाएंगे। और इसके लिए डाउटफुल हूँ मैं, ट्राई करूँगी कोई आउटफिट अगर मुझे अच्छा लगेगा तभी जाएगा ये। एंड ये लेदर का ये बहुत ही प्यारा सा कोट है, मैंने एक भी बार पहना नहीं है, मेरा बहुत मन है इसको पहनने के लिए। एंड मैंने एक दो आउटफिट भी प्लान किए हैं, इसके लिए डाउटफुल है। इसको ऐसे ना उसमें रख लेते हैं येस और नो में, अगर मेरे पास जगह होगी तो इसे ले लेंगे, थोड़े कूल आउटफिट बना पाऊँ मैं। आज मेरा दिन है चीज़ों को फाइनल करने का एंड ट्राई करने का कि कौन से आउटफिट अच्छे लगेंगे कौन से नहीं, सो फिर उसी के हिसाब से हम पैक करेंगे। ओके लेट मी ट्राई दिस, दिस इज कूल, ओह माय गॉड दिस इज कूल, लेट मी शो दिस टू पता। आई डोंट नो वो कपड़ों से ये कपड़ों तक मैं कैसे पहुँच गई हूँ, पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं मैंने और काफ़ी चीज़ें निकाल के अब भी मेरे पास इतनी बाकी हैं, इनमें से भी थोड़ा और छांटी करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल है दोस्तों, अगर आपके पास वेट की लिमिट है ना कि इन्नू सा वेट लेके जा सकता है तो बहुत ही मुश्किल। आई डोंट नो हस्बैंड कैसे निकालेंगे, सो वेरी डिफ़िकल्ट। सो इनमें से थोड़ा और कम करेंगे, बट मुझे अब रफली आइडिया आ गया कि मुझ पर क्या मुझे अच्छा लग रहा है क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो रफली ये मैंने फाइनल कर लिया कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और अभी भी एक कैटेगरी में दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे फुल स्लीव टी शर्ट्स में मेरे पास तीन हैं जो ब्लैक हैं और दो हैं जो वाइट हैं। मुझे लगता है उन तीन में से को माइनस कर सकते हैं, दो से मेरा काम चल जाएगा, पर मैं बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ टाइम नीचे हमेशा फुल स्लीव टी शर्ट पहनती हूँ। सो दैट्स दैट, ईजी नहीं है दोस्तों, आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। हिम्मत के लिए आसान होगा क्योंकि हिम्मत के लिए मैं ज़्यादातर चीज़ें लेके जाने वाली हूँ, उसकी मैं कम नहीं करूँगी, वही करूँगी जो एक ही कैटेगरी की सिमिलर सी चीज़ें हैं। अपने लिए मैं कम से ही कम चीज़ें लेके जाना चाहती हूँ, कम से कम। सो ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद आके फिर से इसी काम में जुट जाएंगे एंड थोड़ा और माइनस करेंगे। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हैं एंड ट्राई करके मज़ा आया कि बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने पे अच्छी नहीं लग रही तो फिर उनको टोटली माइनस कर दिया है मैंने। आउटफिट प्लान करें, अगर आपको पता है ना कि आप ये वाली चीज़ ऐसे 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 पहन सकते हैं तो फिर वैसे करें। अब मैंने देखा कि मेरे पास ब्लैक पीजे ब्लैक स्वेट पैंट्स दो तीन डिफरेंट काइंड की हैं जो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है और मुझे चाहिए। एक तो घर में पहनने वाली है, वो वार्म है, गर्म रखेगी मेरी टांगों को, पर एक दो थे वो बिल्कुल ही सिमिलर थे, उनको मैंने माइनस कर दिया है। बेचारी ड्रेस अभी भी यहाँ पे वेट कर रही है, इसको लेके जाएंगे। बेबी तुझे तू चिंता मत कर, इसको मुझे ट्राई भी करना है वैसे, आई डोंट नो पर मेरे फिट ही ना है। सो मैं हिम्मत के लिए बनाने वाली हूँ खूबसूरत सी सिंपल सी खिचड़ी। एक तो वो कम्फर्ट फूड है और वो पेट भर के खा लेता है, वैसे भी हिम्मत थोड़ा सा बीमार है तो अच्छा होगा कि वो खिचड़ी खा ले एंड उसके बाद उसे दवाई खिला देंगे। एंड नैप का समय तो निकल चुका है पर हम आज कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाएं, और जब तक खिचड़ी कुक हो रही है मेरी कोशिश है कि मैं किचन एरिया को क्लीन कर दूं। और आज मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि आज हम गंदा खाना खाएंगे, सो वो गए हैं लेने के लिए मैकडोनल्ड्स, और वही मुझे लग रहा मेरा लास्ट मील होगा इस दिन का। उसके बाद मैं पीऊँगी जिंजर एंड टर्मरिक टी एंड देन वी आर डन। सो हिम्मत की प्यारी सिंपल सादी खिचड़ी तैयार है, उसको फीड कर देंगे क्योंकि फिर वो पूरी तरह खा लेता है। वैसे वो खुद खा लेता है पर मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह कंप्लीट कर दे, और अदरवाइज़ वो बहुत टाइम वेस्ट करता है, बैठेगा खाएगा नचेगा गाएगा, सो उसे फीड करेंगे आज हम, लेट्स गो। एक्चुअली दिस इज़ वेरी स्केरी, जब आप ट्रैवल करने वाले हों और घर में कोई बीमार हो जाए तो ट्रैवल का सारा मज़ा ख़राब हो सकता है। एंड ऑल्सो
आप भी बीमार हो सकते हैं, तो हम लोग काफ़ी बच बच के रह रहे हैं हिम्मत से, क्योंकि हिम्मत काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कंटेजियस है एक्चुअली. नो, हिम्मत कंटेजियस नहीं है, बट या फिर भी हम लोग उससे थोड़ी दूरी बना के रख रहे हैं. सो इसी वजह से हस्बैंड सो रहे हैं बेसमेंट में, पर हिम्मत मेरे साथ सोता है, क्योंकि अदरवाइज उसको नींद नहीं आती है, एंड उसके बिना मुझे भी नींद नहीं आती. आई नो इट्स वियर्ड, बट सो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है, स्नो है, एंड बहुत ही ज़्यादा डल किस्म के दिन हैं, पर हिम्मत को ये दिन बहुत अच्छे लगते हैं. हिम्मत लव्स इट. यस हिम्मत, हिम्मत गोना हैव अ हेयर कट ऑन मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे. आई मेड यू फ्रेश खिचड़ी. यू लाइक फ्रेश खिचड़ी और यू लाइक ओल्ड खिचड़ी? फ्रेश. आई न्यू इट यू लाइक ओल्ड. ओए गाइस, डैडी पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स लेके, एंड दिस इज हिम्मत. हिम्मत, यू वांट टू से समथिंग? So this is my pitti burger and fries. I'm gonna sit with husband and eat. Husband ne waise bahut rola paya hota hai. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. तो वैसे एक दिन पहले ना मैंने मेकअप को ऑर्गेनाइज किया था कि वही चीज़ें लेके जाएंगी जिसकी एक्चुअल में ज़रूरत है, या फिर वो जिस जो मुझे बहुत पसंद है और वहाँ पे मिल नहीं सकती है. तो मैंने सोरा से खूब सारी शॉपिंग की थी जब VIP सेल चल रही थी. आई होप आपने इसकी हॉल वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी. अभी तक ना मैंने इनको या बॉक्सेज में से निकाला नहीं है, सो इनको निकाल के भी मैं यहीं पर रख रही हूँ जो चीज़ें मैं लेके जाना चाहती हूँ. लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बट जो मुझे असेंशियल चाहिए. और ये सेफोरा से नहीं लिया है, पर मैंने ये है ब्रीद राइट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाला बैंडेज जो नोज़ के ऊपर लगाओ. अगर नोज़ कंजस्ट होना तो ब्रीद करना बहुत आसान हो जाता है. सो ये बहुत काम आता है मुझे जब कोई मुझे इन्फेक्शन हो जाती है एलर्जीज़ में या फिर कोल्ड में, एंड मैं समटाइम हिम्मत के भी यूज़ कर देती हूँ. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सो ये मैं लेके जाना चाहती हूँ. एंड मैंने दो मास्क लिए हैं न्यूट्रोजिना के हाइड्रोबूस्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मेरी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है. तो ये हॉल नहीं करूँगी मैं, मोटा मोटा आपको बता रही हूँ. एंड अवीनो की ये बहुत ही प्यारी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो ब्रांड न्यू है, ये मैं लेके जाने वाली हूँ. मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें नहीं लेके जाऊँगी मैं, वही लेके जाऊँगी जो मेरी स्किन केयर में हेल्प कर रही है मुझे. सो ये है. एंड ऑल्सो ये बहुत ही प्यारी लराश पुज़ई की B5 क्रीम है एक. ये एक्चुअली रैशेस के लिए है, हील करने के लिए सूदिंग बाम है ये. सो जब मैं रेटिनॉल यूज़ करती हूँ या कोई भी एसिड मेरे चेहरे पे यूज़ करती हूँ, तो मुझे वंस लाइक दो तीन बार हफ्ते में मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो चेहरा है वो हील हो जाए एसिड से, लाइक हार्श चीज़ें यूज़ करने से. सो एक्चुअली में ये बहुत हेल्प करता है, तो ये मैंने ख़रीदा है एक. एंड मेरा फेवरेट लिप बाम है ये बर्ड्स बी का, क्योंकि इससे जब आपके लिप्स फटने वाले होते हैं एक ही बार में हील हो जाते हैं जब आपने लगाया. और जब मेरा नोज़ की साइड भी ड्राई होती है ना, तो मैं इसको फिंगर पे लेके नोज़ की साइड पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा स्नीज करती हूँ ये चीज़ें ड्राई हो जाती हैं. ओवरनाइट फिक्स हो जाता है ये. ये स्पेशली है बी वैक्स वाला. एंड ऑल्सो मैंने और लिप बाम्स भी लिए हैं, क्लासिक लिप बाम जो आपके लिप्स को हाइड्रेट रखें एंड फटने नहीं दें. और एक मस्कारा है लिया मैंने, ब्रांड न्यू है ये, लैश आईब्रोज को सेट करने के लिए, एंड लैश ग्लू, एंड दैट्स इट. यहाँ पे फ़िलहाल यही चीज़ें हैं. सो पूरा वही असेंशियल चीज़ें लेके जाएंगे, एम आई टाइम वेस्ट फालतू चीज़ें नहीं.
और आपने उस हॉल में देखा होगा कि मैंने ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जो ट्रैवल साइज में भी आती हैं. सो ये बहुत अच्छा एक ड्राई शैम्पू है, क्योंकि आपको पता है मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो मैं हर बार धो नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब मैं धोऊंगी तो कर्ली हो जाएंगे. पहले कर्ली को फिक्स करो, फिर स्टाइल करो. सो उसकी जगह पर ये ड्राई शैम्पू काम आएगा. सो बहुत अच्छा मुझे मिल गया डील, बड़े के साथ छोटा. एंड छोटे वाले को हम लेके जाएंगे, बड़े को हम नहीं लेके जाएंगे. सो इस तरह हम असेंशियल चीज़ें ट्रैवल साइज में लेके जाएंगे. एंड ओके, ये भी एक मेरे पास है बम्बल एंड बम्बल का शैम्पू एंड कंडीशनर, और मुझे लगता है कि इसके साथ मेरा मैनेज हो जाएगा. वैसे मैं कंडीशनर बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ. सो शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए ये पिद्दी लेके जाएंगे, अदरवाइज वहाँ से कुछ ले लेंगे. सो इनको ना अनबॉक्स कर देते हैं, क्योंकि बॉक्स में पड़ी पड़ी चीज़ें हैं ना. मैं एक्चुअली क्लियर करके जाना चाहती हूँ, जाने से पहले मेरे घर पूरा क्लीन होना चाहिए. और वैसे भी हमारे घर में हमारे पीछे से रहने के लिए कोई आने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं सोऊं घर में. सो ये पीस आउट ओके हॉल नहीं करनी हो. सो इसको मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, जो 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 चीज़ें मुझे लेके जानी है. ये क्या बोलते हैं, बक्सों में से निकाल देते हैं, ताकि पैकेजिंग में कम से कम चीज़ें, ताकि बैग में कम से कम जगह लेंगे चीज़ें. सो ये काम करेंगे अब. सो विटामिन सी इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी. अगर आप जानना चाहते हैं ना मेकअप में क्या क्या लेके जाने वाली हूँ, मुझे बताना, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे हम लोग, या फिर ट्रैवल टाइम में आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ. बहुत ही ज़्यादा असेंशियल चीज़ें लेके जाऊँगी. लुक, जैसे प्राइमर मैं दो लेके जाऊँगी, और ये मिल्क का है, ये मैंने ट्रैवल साइज लिया है छोटा, क्योंकि चल जाएगा मेरा. लाइक स्प्रे भी मैंने ट्रैवल साइज ली है. एंड जो सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बैग में रखने के लिए, उससे भी ट्रैवल साइज लिया है मैंने. लक टाइनी क्यूट पिद्दी, टाइनी क्यूट पिद्दी, सुपर गुप का सनस्क्रीन है ये, अनसीन. बहुत अच्छा लगता है मुझे. सेफोरा का हॉलीडे लिप किट, इसने सेफोरा के सारे पॉपुलर लिप्स हैं, जैसे शार्लेट टिलबरी का, पिलो टॉक, वेयर ब्यूटी का ग्लॉस, जो आपके लिप्स पे आप ही का रंग बन जाता है, एंड अदर भी बहुत ही वेयर पैर शेड्स. एंड दो चीज़ें फुल बड़े साइज़ की हैं, एंड बाकी ट्रैवल साइज़ की हैं. सारा कुछ नहीं जाएगा मेरे साथ, पिलो टॉक जाएगा डेफिनेटली, एंड रेयर ब्यूटी की ग्लॉस जाएगी, और ये पैट मैकग्रथ का रेड लिप्स, बहुत ही ज़्यादा प्यारा. सो हस्बैंड अपस्टेयर कुछ देख रहे हैं, मैं आई हूँ मेरे कैमरे की बैटरियाँ चार्ज करने के लिए, एंड थोड़ा सा एंड में क्लीनिंग कर रही. सो अर्लियर मैंने डिशेस तो क्लीन करी दी थी, पर हमने उसके बाद जिंजर टी पी है, तो थोड़े थोड़े डिशेस बाकी हैं, इनको भी क्लीन कर देते हैं, देन वी आर डन. सो किचन को मैंने क्लीन कर दिया है, एंड बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ मैं, पर किचन को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगले दिन आप हैप्पीली चीज़ें कर पाएँ. और जब आप पैक करते ना, तो बहुत पैनिक हो जाती हूँ मैं, ताकि वेट लिमिट के अंदर ही हो, और मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें भी हों, असेंशियल्स, एंड होपफुली सारा कुछ सही जाएगा. पैक में आने वाले एक आधे दिन में कर लूँगी. आज वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है, एंड बहुत बुरा मेरे सर में दर्द हो रहा है. यू नो, जब मुझे अच्छी नींद नहीं आती, सो अर्लियर मैंने बताया मुझे कल रात अच्छी नींद नहीं आई थी. जब मुझे अच्छी नींद नहीं आती, तो अगला दिन मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं होता. सो ऐसे होता है कि मैं दिन में सो जाऊँ दोपहर में, पर मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि फिर रात को नींद नहीं आएगी. सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, पर आज मैं जल्दी सो जाऊँगी. 7 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं, 8 बजे सो जाऊँगी मैं. और अब हिम्मत को मुझे स्टीम देनी है, और विक्स वाली, उससे ना उसका नाक एंड गला काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाता है, और उससे अच्छी नींद आ जाती है. सही रात सोता है वो अच्छी तरह, अदरवाइज़ वो रात को कफ करता है, तो मेरी नींद भी ख़राब होगी, उसकी भी ख़राब होगी. सो फॉर नाउ हिम्मत अगले 2 दिन स्कूल नहीं जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा, उसको रेस्ट मिल जाएगी. सो यस दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पर फिनिश करते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. एंड मुझे आप बताना कि जब आप पैक करते हैं, आप भी पैनिक हो जाते हैं, आपको भी चिंता हो जाती है कि वेट के अंदर अंदर हो जाए और आपका सारा सामान अंदर आ जाए, या मुझे ही होती है, क्योंकि सारी चीज़ों को मुझे ही पैक करना है. मेरी पैकिंग, मेरी स्किन केयर, मेरा मेकअप, या मेरा टॉयलेट्रीज, हस्बैंड की हिम्मत की, सब कुछ मुझे करना पड़ता है. हस्बैंड पैकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो तीनों का बोझ मुझ पर पड़ जाता है, तो फिर मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ. पर वंस आई एम डन, तो हम रेडी हो जाएंगे इन्जॉय करने के लिए.
ऑलराइट दोस्तों, तो बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं फ्यूचर में, सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, हस्बैंड को कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आपको मिलूंगी मैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, ईजी पीजी लेमन को ईजी ही, आई लव यू गाइस सो वेरी मच। आज मुझको ना एडिट करना था वीडियोस को, पर बिकॉज मेरे सर में दर्द है तो मैं डेस्क टॉप पर बैठ के और ज़्यादा आँखों को जोर नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए वजह से मैं टीवी भी नहीं देख रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे थे कि वो आज आप मूवी देखते हैं, मैं प्रा सॉरी आई एम आउट ऑफ हियर, सोने वाली हूँ मैं, एक गरम गरम मज़ेदार स्टीम बाथ लेंगे एंड देन नीनी करेंगे।